शांतनु निवास करते थे। तो शांतनु महाराज ने गंगा जी से विवाह किया, गंगा जी से विवाह किया। ध्यान रखें, महाभारत का शुभारंभ आज हम कर रहे हैं, लेकिन कल पूरे दिन महाभारत ही सुनाएंगे, क्योंकि उसी कथा के माध्यम से हमारा नाम है महाभारत के नाम से। तो आज शांतनु महाराज ने जब गंगा जी से विवाह किया था, तो गंगा जी ने शर्त क्या रखी थी कि महाराज मैं कुछ भी करूं तुम्हारे घर पे, पर मेरे काम में तुम बाधा नहीं डालोगे, मुझे कभी रोकोगे नहीं। तो राजा शांतनु ने गंगा जी की सुंदरताई में फंस के हामी भर दी थी, हामी भर दी। तो जिस समय गंगा जी को अपने घर में ब्याह के लाए थे, कुछ समय बाद क्या हुआ था, थोड़ी देर सुने, केवल 10 मिनट बच्चे शांति से सुने। सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे कर्म नहीं और लयो लपेटा है, जी क्या करती थी, अरे समय नाए पल भर को कियो और बेटा ले लो को तक कदम आगे कुधर दियो, अरे बेटा ले लो को तक कदम या ये कुधर दियो, ए अब बेटा फिर जा Thank you.
राजा ने पीछे से आवाज दिया, खड़ी हो जाओ, रुक जाओ। जन्मों से तेरी गोद में मैं चल गई। महाराज शांतनु बोले, गंगा जी एक विनती है तुमसे कि मेहतारी के काम को बाप नहीं कर सकता, बाप के काम को मां कर ले जाएगी। ये अबोध बच्चा जन्मा तो बेटा का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे बेटा ने चलवे ला कर है तो तक तुम जाए पाल दे ले। गंगा जी आज उस बच्चे को ले गई, देवताओं के लोक में घुमाती रही। उस बच्चे का नाम रखा देवव्रत, देवव्रत। देव लोकों में घुमाती रही, देवताओं के आशीर्वाद दिलवाती रही। जिस समय वो बेटा 11 वर्ष का हो गया था, 11 वर्ष का, उसी समय गंगा जी उस बेटा को लौटा करके दे गई, लो महाराज तुम्हारे बच्चे को मैंने पाल लिया है, देवव्रत नाम रखा गया। शांतनु महाराज नदी के किनारे पर टहल रहे थे तो एक मलहा की लड़की थी, विचार करना राजा की कोई जात नहीं होती, तो मलहा की लड़की को जब देखा है तो राजा ने प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसका नाम था सत्यवती, विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती ने जवाब क्या दिया, महाराज तुम शादी करना तो चाहते हो लेकिन मेरे विवाह का अधिकार मेरे बाप। विचार करना बेटा, ये थी संस्कृति मेरे यहां, ये थी सभ्यता भारत की। कब वो लड़की कह रही है कि मेरे विवाह का अधिकार मेरे बाप के हाथ में है, और आज बाप का कह रहे हैं। वैसे ठीक है, सा मत सब तरह पसंद है, पर ब्याह को जजमेंट तो लड़का ही दे रहे हो, ब्याह को जजमेंट लड़का दे रहे हो तो फिर तुमको सही बताना, कोई बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे को बहु सुंदर ना मिले? न कोई बाप ये चाहता है कि मेरे बेटा की शादी अच्छे घर से ना होए। पर काके ने निर्णय लला दे वे हो, बेटा ध्यान रखना कोर्ट मैरिज में और अरेंज मैरिज में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जो कोर्ट मैरिज तो ऐसी है आज बनी गई कल बिगड़ी, और अरेंज मैरिज होती है तो तामे तुम्हारे पला भारी तो हुआ, अगर ने कहू बहु कुछ उल्टी सीधी कह जावे तो तुरंत डोकत कह देगो तुमने करिया जी, तो डोकर बता पंजा जमेगो हैं, तो डोकर बा बहू के निहोरे करेंगे कि बेटा मैं लाऊं तो ब्याह करेंगे, मेरी बात छोटी मत करवाइये, और तुम अपने आप करके लायो कोट मेरी तो डोकर डुकरिया कुन बाबा सब कहेंगे तेने करिए, तू जाने तो काम जाने। ध्यान रखना